योगेश्वर दत्त ने की विनेश फोगाट पर टिप्पणी। विनेश मांगेंगी देश के लिए मेडल ना जीतने पर माफी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेल इंडिया। आज हम बात करेंगे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश्वर दत्त का कहना है कि विनेश फोगाट को भारत को मेडल का नुकसान कराने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई को लेकर भी फोगाट पर निशाना साधा। फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जुलाना सीट से मैदान में उतर गई हैं। दत्त ने देश की गलत छवि बनाने को भी लेकर उन पर आरोप लगाया। एक कार्यक्रम में फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति में जाना सबको अपनी चीजें होती हैं। हम बीजेपी में आए, बबीता जी बीजेपी में आई, वो कांग्रेस में गई, पर देश को सच पता लगना चाहिए। जो चीज़ें हिंदुस्तान में पिछले एक साल से घटी हैं, चाहे वो ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन हो, आंदोलन हो, नई संसद का उद्घाटन के समय हिंदुस्तान की गलत छवि बनाना हो। उन्होंने आगे कहा कि फोगाट का देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो अगर कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई होता है तो उसे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने देश के मेडल का नुकसान कराया। इसके बाद साजिश का रूप दिया गया। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री ने साजिश के तहत हर दूसरी बार इस पर यह सब किया। ओलंपिक पदक विजेता दत्त ने आगे कहा कि सबको पता है कि किसका भी डिस्क्वालीफाई होता है, अगर वो एक ग्राम भी ज़्यादा क्यों ना हो। देश में गलत माहौल बनाया गया, ऐसे में आंदोलन की बात है तो उसमें भी लोगों को गलत तरीके से बताकर इकट्ठा किया गया। एक देश को मेडल का नुकसान कराने के बाद भी धारणा बनाई गई कि विनेश के साथ गलत हुआ। अगर उसकी वजह से ये मैं होता तो पूरे देश से माफ़ी मांगता कि आप वेट नहीं ले पाया। उन्होंने कहा पर यहाँ पर तो स्वागत हो रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। गलती पर स्वागत की प्रथा जो हिंदुस्तान में चली हो वो गलत है। दत्त साल 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।